बताए सालो। लगा डन हो गया। नोट से हम इस फाइल को रन कर पाएंगे? नहीं कर सकते ना, डॉट टीएक्सटी फाइल है ना। नोट से तो बस हम कौन सी फाइल रन कर सकते हैं? सब ओनली जीएस फाइल। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक पैकेज का यूज करना पड़ेगा, फाइल सिस्टम को एक मॉड्यूल रिक्वायर करना पड़ेगा, फाइल सिस्टम। ठीक है, उसकी मदद से हम डॉट टी एक्स टी फाइल को रन कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक बनाओ फाइल सिस्टम डॉट जे एस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलो अब लिखो कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट एफ इक्वल रिक्वायर 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 फंक्शन का साइन लगाते हैं, सिंगल कोट में एफ एस। हाँ लिखो ना, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? फंक्शन का साइन लगाओ, उसमें लिखो एफ एस। एफ एस मतलब फाइल सिस्टम। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। अब कंसोल करो, कंसोल डॉट लॉग में एफ करो। अब सब समझो, बड़ा पॉइंट इसमें, फंक्शन का साइन लगाओ, सेव करके रन करो। अब देखो सब लोग, एफ एस मतलब होता है फाइल सिस्टम। नोटबन चलाओ ना, नोट बनाओ। अब नोटबन चलाया करो, नोटबन से नोटबन फिर फाइल का नेम। अरे अरे एफ फाइल सिस्टम लिखो, फाइल सिस्टम, और रिक्वायर की स्पेलिंग सी लिखो, आर ई क्यू यू आर ई, रिक्वायर आर ई क्यू यू आई आर, इसी लिखा ना, आर ई क्यू यू आई आर। ठीक है, हाँ इसी लिखो। और नोट मोन, और नोट मोन और फाइल सिस्टम नाम डालो। देखो हाँ, थोड़ा टर्मिनल पर करो, टर्मिनल पर करो। क्यों आज मार्केट में नोड जेएस कितनी वैल्यू चल रही है? चाहे लोग
जानते हो क्यों इतना नोड जेएस मार्केट में है? क्योंकि नोड जेएस के, हाँ बोलो बोलो, हाँ एन ये नोट नोट तो आप नोट से भी चला लो अभी, बाकी मैंने लास्ट क्लास का वीडियो अपलोड कर दिया अभी, ठीक है? अभी मैं से, हाँ, उसी में हो जाएगा, अभी नोट्स हो जाएगा आपका। तो अब चीज देखो, हमें क्या करना है, आप ये एक तरह का फाइल हैंडलिंग है, हमें क्या करना है, डॉट टी एक्स टी फाइल को रन करना है किससे, नोट जेस की फाइल, नोट जेस से, नोट से। तो उसके लिए हमें एक पैकेज रिक्वायर करना पड़ा, एक मॉड्यूल रिक्वायर करना पड़ा, एफएस मतलब होता है फाइल सिस्टम। तो जब मैंने फाइल सिस्टम को रिक्वायर किया और कंसोल किया, तो आपने पढ़े होंगे अपेंड, देखो लिखा है अपेंड, क्लोज, नीचे आ जाओ और नीचे आओ रीड फाइल, नीचे आओ, देखो रीड फाइल नाम का फंक्शन होगा इसमें एक, और नीचे आओ, बोलो निकल गया रीड फाइल, हम बस निकल गया। देखो अब इतने सारे फंक्शन किसके अंदर डिफाइन है, पहले से बने हुए हैं एफएस के अंदर, जितने पता है ना सबको। देखो सबसे मेन नोड जेएस ही है, नोड जेएस से कंसेप्ट क्लियर है तो प्रोजेक्ट में कुछ नहीं करना है, वो तो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे, देखो रीड फाइल आपको दो तरीके, दो दिख रही होंगी आपको, दो फंक्शन दिख रहे हैं रीड फाइल के, सब देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, मोस्ट आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिख रहे हैं सबको रीड फाइल के दो पार्ट, इसमें रीड फाइल और रीड फाइल सिंक, हाँ ना, तो बोलो दो फंक्शन दिख रहे हैं आपको, हर चीज के दो फंक्शन दिख रहे होंगे, हाँ दिख रहे हैं सबको, आवाज आ रही सबको मेरी, सबको यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे होंगे, है ना। अब इन्हीं पे पूरी कहानी डिपेंड है, देखो एक लिखा है असिंक्रोनियस, लिखा है एनोमियस, लिखा है देखो वो लिखा है इसमें, जिस पे सिंपल कुछ ही लिखा है वो होता है एनोमियस, एनोमियस लिखा है, देखो लास्ट में रीड रियल पाथ में लिखा है, लास्ट में देखो एनोमियस। दो टाइप के फंक्शन होते हैं इसमें, दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंक, एक होता है असिंक, ठीक है, एक होता है सिंक, एक होता है असिंक एनोमियस, ठीक है, एक होता है सिंक्रोनियस। अब जो नोड जेएस है वो किसको यूज कर रहा है, असिंक को, एनोमियस, क्यों समझाता हूं फिर इस टॉपिक को करते हैं। जैसे मान के चलो और दोनों में आपस में लड़ाई चलती हैं, ठीक है, ऋतिक ने ऑर्डर दिया खाने का उसी रेस्टोरेंट में, और फिर थोड़ी देर बाद अमन आया, अमन ने ऑर्डर दिया कोल्ड कॉफी का, ठीक है, अमन ने किसका ऑर्डर दिया कोल्ड कॉफी का। तो अब क्या हुआ, अमन का ऑर्डर पहले आ गया और ऋतिक का ऑर्डर नहीं आ पाया, और जबकि अमन बाद में आया था, ऋतिक पहले आया था। अब अमन का दिमाग खराब हो गया, अमन ने वेटर को बुलाया और वेटर से कहा सर हम यहाँ पे बहुत देर से बैठे हैं, या ऋतिक ने कहा, सॉरी ऋतिक ने कहा कि हम सर बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, मेरा ऑर्डर नहीं आया, अमन का पहले कैसे आ गया। तो वेटर बोलता है सर उनका सिर्फ एक कोल्ड कॉफी थी, वो हाँ रेडी हो गई, आपका खाना है तो टाइम लगेगा, उसमें होता है ना रेस्टोरेंट हमारे साथ ऐसा, जो सिंपल सा एग्जांपल है ना। तो वो आपसे बैठे तो बोलेगा कि सर आपके ऑर्डर में टाइम लग रहा है, तो आप बोलोगे नहीं हम तो पहले आए थे, हमें पहले दो जे है वो है फलाने दिखाने, जैसे पिज्जा खाने गए डोमिनोज में कभी, तो वहाँ क्या होता है नंबर चलता है, अब भले आपका पिज्जा 100 रुपये का हो, है ना, मगर मिलेगा नंबर वाइज ही, आपको वेट करना पड़ेगा। मगर नोड जेएस यहाँ पे वेट नहीं कराता, जैसे आप चैट एप्लीकेशन चलाते हो, सब चलाते हो चैट एप्लीकेशन, तो उसमें क्या होता है कि आपने मुझे मैसेज टाइप किया, है ना, मैंने आपको मैसेज टाइप किया, तो तीसरे का मैसेज आ जाता है, तो वहाँ पे किसी का मैसेज रुका पड़ा रास्ते में, क्या
कि नहीं अमन विकास सर से बात कर रहा है, तब तक ऋतिक का मैसेज होल्ड है। यहाँ पे कहीं रिक्वेस्ट होल्ड हो रही है क्या एक दूसरे की? नहीं हो रही ना। रेस्टोरेंट में क्या हुआ, जिसका ऑर्डर पहले मिल गया, जिसका ऑर्डर पहले बन गया उसको दे दिया। यही पॉलिसी पे काम कर रहा है नोड जेएस आसिंक। जो नोड जेएस काम कर रहा है वो काम कर रहा है आसिंक पॉलिसी पे, एसिंक्रोनस पॉलिसी पे, ठीक है ना। नोड जेएस इसी पे काम कर रहा है, मतलब जिसका ऑर्डर पहले आ गया उसको पहले दे दो, उसको वेट ना कराओ, है ना। कि नहीं भाई अब पहले इसका आएगा तब तुम्हें मिलेगा, तो सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, बेचारा वेट करा कर लगा कि मेरा ऑर्डर कब आएगा, मेरा ऑर्डर कब आएगा, मेरा ऑर्डर कब आएगा। बात आई समझ में? अब मैं इसको आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकल करके, ठीक है। सिंक्रोनियस होता है, असिंक्रोनियस होता है ना। तो जो हम यूज करते हैं नोड के अंदर वो असिंक्रोनियस यूज करते हैं। तो इसलिए जब आपने जो आपको यहां दिख रहे हैं, यहां पर दो टाइप के फंक्शन दिख रहे हैं, एक दिख रहा है सिंक और एक दिख रहा है एक असिंक तो लिखा ही नहीं है, सिंपल क्या लिखा है रीड फाइल लिखा है। तो जो बाय डिफॉल्ट रीड फाइल लिखा है ना वो असिंक वाला है, वही आपकी रिक्वेस्ट होल्ड नहीं होगी। और जिसके आगे सिंक लगा है वो क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट होल्ड करेगा, पहले उसको पास करेगा। अब मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझाता हूँ, ठीक है। तो आप बताना कि हम कौन सा यूज करें नोड अब, ठीक है। आ जाओ, ये पूरा नाम चलता है असिंक अवेट, ये एक तरीके का पूरा नाम चलता है असिंक अवेट। थोड़ा जूम कम कर देना अंदर वाला पार्ट को, अब कंसोल बंद कर दो। अब लिखो नीचे, लिखो सीधे एफ डॉट, देखो एफ डॉट रीड फाइल, वो देखो अपने आप आ गया फंक्शन अपने आप रीड फाइल, है ना। रीड फाइल सिंक वाला यूज कर लेते हैं अभी ना, नहीं पहले रीड फाइल असिंक वाला यूज हटा दो, सिंक हटा दो, पहले असिंक्रोनस यूज कर लेते हैं। फंक्शन का साइन लिखो हाइपन हाइपन, फंक्शन का साइन लगाओ हाइपन हाइपन, लगाते ना डायरेक्टरी नेम करने के लिए, वो आ गया डायरेक्टरी नेम, देखो अपने आप आते हैं डायरेक्टरी नेम। फिर उसके अंदर लिखो और डायरेक्टरी नेम का लिखो प्लस प्लस डबल कोट के अंदर, फिर लिखो इसके अंदर स्लैश, वो आ गया फाइल का नाम ए डॉट टी एक्स टी, डॉट टी एक्स टी फाइल को रन करना है ना। और फिर इसके बाद लिखो कॉमा लगा के, डबल कोट बाद कॉमा लगाओ, डबल कोट के बाद, डबल कोट के बाद कॉमा आता है, डबल कोट के बाद यू टी, डबल कोट के अंदर फिर लिखो यू टी एफ एट, यू टी एफ एट, हाँ ठीक है, ये फॉर्मेट होता है। फिर इसके बाद कॉमा लगाओ, फिर इसके अंदर हम कॉल बैक फंक्शन देंगे ना, एक एरो फंक्शन आएंगे कॉल बैक करने के लिए, ठीक है। फंक्शन का साइन लगाओ, अब उसमें देखो लिखा है, देखो कॉल बैक फंक्शन होता है ये, ठीक है। अब इसमें देखो एक देखो एरर ई डबल आर एरर, दो पैरामीटर पास करने होते हैं, ठीक है। एरर ई डबल आर, ई डबल आर कॉमा डेटा, वो डिफाइन नहीं करना, वो डिफाइन थोड़ी करना, वो बता दो ला नंबर एक से, लाइन नंबर एक से हटा दो, लाइन नंबर एक पे देखो लिखा हुआ आ रहा है ऊपर एक पे, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, लाइन हाँ लाइन नंबर एक हटा दो, एक लाइन नंबर हटा दो एक को पूरा, हाँ। अब उसके करीब बैक सका दो डेटा के बाहर जाके, डेटा के बाहर करली बैक आके एंटर दे दो, ठीक है। ये हमने अब देखो, अब यहाँ कहानी सुनो, अब यहाँ कंसोल करो, कंसोल डॉट लॉग, उसमें लिख दो डेटा, सिंपल कंसोल डॉट लॉग, उसमें लिख दो डेटा, फंक्शन का साइन लगा के लिख दो डेटा, सिंपल बस। अब देखो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, सब सुनो, यहाँ मैं कह रहा हूँ एफ डॉट रीड, मैं कह रहा हूँ फाइल को रीड करना है, तो मैं रीड फाइल नाम का फंक्शन कॉल किया। अब वो कह रहा है किसको रीड करूं, तो मैंने डायरेक्टरी नेम में पाथ दिया हमने भाई डॉट टी एक्स टी फाइल को रीड करो, ठीक है। अब यू टी एफ एट क्या होता है, फाइल का फॉर्मेट होता है ना, इससे सही फॉर्मेट में मेरा नाम लिखा हुआ आ जाएगा, अभी दिखा दूंगा। अब वो रीड करके ले आया, तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगा, तो हमने कहा कि उसको डेटा में स्टोर कर दो,
किसमें वो एरो फंक्शन लगाओ, एरो फंक्शन वहां पे लाइन नंबर 5 पे डेटा के बाहर इक्वल एरो, हाँ ये पे इक्वल एरो आएगा ना, एरो फंक्शन आएगा, हाँ ऐसे ही ठीक है। तो वो किसमें डाल देगा, डेटा में डाल देगा, उस डेटा को अपन कंसोल करा देते हैं ठीक है। अब नीचे आओ, नीचे आके देखो आउटपुट आया कि नहीं आया, ये टर्मिनल देखो जाके सबसे लास्ट में देखो डेटा उठ के आ गया, सब देखो उठ के आ रहा है, ऋतिक रोहित विनोद। अब हटा देना यूटीएफए, हटा दो यूटीएफए, हटा दो। अब देखो आउटपुट क्या आ रहा है, एक कॉमा हटा दो। अब देखो सब लोग सेव करो फाइल को, देखो ये फॉर्मेट आ रहा है, दिख रहा है भाई नंबर वाला फॉर्मेट आ रहा है ठीक है ना। तो सही फॉर्मेट लाने के लिए हमने किसका यूज करते हैं, UTF-8 का है ना, फाइल फॉर्मेट के लिए सही लगा इसको। आप देखो जाके अब लाइन नंबर 8 पे आओ, 8 के नीचे आ जाओ, लिखो इसके नीचे कंसोल डॉट लॉग और फाइल को सेव मत करना, कंसोल डॉट लॉग लिखो इसके अंदर सिंगल कोट में हेलो ऋतिक, सिंगल कोट में हेलो ऋतिक, हेलो ऋतिक। चलो अब बताओ भाई क्या चलेगा, पहले 5 पहले डेटा आउट क्या आएगा कि 9 नंबर चलेगा, फाइल सेव नहीं करना, बताएं सब लोग क्यों, बताओ कैसे आएगा। सौन में आ रहा है, सोना इशिता अंशिका अमन निपुर समझ आ रहा है। देखो क्यों, अब मैंने कहा रीड फाइल करो, अब वो जाएगा a.txt के अंदर, पहले ढूंढेगा फिर मिलेगा फिर देखेगा फिर रीड करेगा फिर डेटा लेके डेटा पटकेगा फिर कंसोल कराएगा, तो कहीं ना कहीं टाइम लग रहा है इसको है ना। तो उसने क्या बोला, देखो यार हमें तो टाइम लगेगा आने में यार, तुम एक काम करो तब तक अभी आगे काम निपटा जाओ, जब वो काम निपटा के फिर मेरे पास आ जाना, मुझे प्रिंट करा दो, मैं फिर वही चला लेना, ये तो कह रहा है। तो ये कौन सा वाला है हमारा, असिंक वाला, असिंक्रोनियस वाला ठीक है। ये कौन सा वाला है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी रिक्वेस्ट होल्ड नहीं हो रही है, सब लोग दिख रहा है यहाँ पे क्या हुआ, आपको वेट नहीं करना पड़ रहा है, इसी पे डिपेंड है हमारा पूरा नोड जेएस असिंक्रोनियस पे, यहाँ पे आपको वेट नहीं करना पड़ रहा है, असिंक अवेट ये पूरा नाम चलता है अभी आगे चल के, अभी अभी अवेट भी पढ़ेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट को वेट नहीं करना पड़ता ठीक है। अब इसको कमेंट, अब नीचे आ जाओ, अब एक अब करते हैं सिंक वाला। अब देखो यहाँ पे हमें पैरामीटर पास करने पड़े थे ना कॉल फंक्शन के लिए, तो नीचे आ जाओ, अब लिखो एफ डॉट रीड फाइल सिस्टम, हाँ क्या नहीं नहीं सिंक आएगा, सिंक सिंक हाँ सिंक सिंक सिस्टम नहीं आएगा, दिख रहा। अब एक काम करो, पहले ये डालना हटाना, हटा दो लाइन डाल कर चलिए, पहले वो कॉन्स्ट कॉन्स्ट डी डेटा इक्वल, क्योंकि इसमें इसमें कॉल में फंक्शन नहीं चलता है ना, पैरामीटर पास नहीं करने पड़ते इसके अंदर है ना, लिखो इसके अंदर, अब लिखो एफ डॉट रीड फाइल सिंक, एफ डॉट रीड फाइल सिंक फंक्शन का साइन, हाँ वो सिंगल कोट में हाइफन हाइफन डायरेक्टरी नेम, देखो
प्लस डबल कोट के अंदर स्लैश ए डॉट टी एक्स टी लिखते जाओ स्लैश ए डॉट टी एक्स टी, फिर नीचे आ जाओ, फिर यू टी एफ एल लगा डबल कोट के अंदर, बस यू टी एफ एल लगा, फिर नीचे आ जाओ कंसोल में भी करो। अब देखो यहाँ पे हमें कोई पैरामीटर कॉल ब्लॉक नहीं करना पड़ता है इसके अंदर, है ना, ऊपर वाला बंद कर देना, 5, 6, 7 बंद कर दो, अब लोग कंसोल डॉट लॉग में डी, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, अब कंसोल लगा लो इसके नीचे, कौन इसके नीचे कंसोल लगा लो, इसमें लगा दो हेलो ऋतिक, हेलो ऋतिक लिख दो उसके अंदर, हाँ चलो बस आ जाओ, चेक करो नीचे, देखो आउटपुट में क्या आया, नीचे का आउटपुट चेक करो, हाँ सब बताओ पहले क्या चला इसमें दिख रहा होगा सबको आउटपुट, दिख गया आउटपुट, सारे लोगों का आउटपुट दिख रहा है, अब बताओ कौन सा यूज करना चाहिए, आसेंग के सिंक वाला, डिफरेंस समझ में आया, आसेंग को आसेंग, आसेंग को ना सिंक को ना, इसमें डिफरेंस क्लियर हो गया, डिफरेंस क्या होता है दोनों में, सब लोग डिफरेंस समझ आ गया, आसेंग और सिंक में। चलो अब एक फाइल बनाना ट्राई डॉट जेएस, trycatch.js नाम सुना फाइल, एक बनाओ फाइल ट्राई, तो ये नोट कर लो, पे नोट करा दो, नोट जिनका नोट नहीं हुआ होगा, चलो नीचे आ जाओ, है ना सीएल, अब चलो करके देखो रन हो रहा अब आप सब एक चीज देखो, यहां मैं गलती कर रहा हूं, सब देखना एफ एफ में से ई डाल रहा हूं, फाइल में ई डाल देना, अब सब देखना ई डाल दी मैंने, सब यहां पे देखो ई डाल दो, सेव करो फाइल को, देखो एरर आई कोड में। अब सब एक चीज देखें, कोड लाइन बाय लाइन चेक होता है, तो लाइन नंबर 4 पे आया उसमें एरर आ गई, तो अब ना लाइन नंबर 5 चला, लाइन नंबर 6, 7 एक भी नहीं चला, है ना, और ना लाइन नंबर 8 चला। अब सोचो अगर कहीं थोड़ी सी भी गलती आ गई आपकी वेबसाइट में तो पूरी वेबसाइट बंद हो जाएगी ऐसे, तो है ना, पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा, सोचो वेबसाइट तो पूरी बंद हो जाएगी ना, जबकि एरर तो लाइन नंबर 4 में थी, और लाइन नंबर 4 का तो कमेंट ले, लाइन नंबर 7 बंद है ना, लाइन नंबर 4 जो स्टार्ट हुआ लाइन नंबर 7 बंद हो रहा है, तो 8 पे में लिखा है कंसोल, तो कंसोल तो आना चाहिए था आउटपुट में नीचे, मगर नहीं आया, उसने सारा बंद कर दिया था, जबकि ऐसा होना चाहिए, अगर आपने वेबसाइट डायनेमिक करी उसमें कुछ गलती होगी तो आपकी पूरी वेबसाइट बंद हो जाएगी, होगी नहीं होगी, सोचो कितना नुकसान हो जाएगा आपका, तो क्या किया जाए इसके लिए, इसके लिए नहीं असिंक नहीं असिंक से मतलब नहीं है, तो इसके लिए क्या हो क्या रहा है, देखो लाइन नंबर 4 में एरर आई, तो उसने नीचे वाला कोड भी नहीं प्रिंट होने दिया लाइन नंबर 8 वाला, है ना, तो अगर ऐसे हम चलाएंगे कोड को अपने वेब प्रोजेक्ट के अंदर, तो अगर लाइन नंबर 4 पे आ गए तो पूरी वेबसाइट बंद कर देगा वो, तो इसी के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, ट्राई कैच यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट हैंडलिंग नाम सुना होगा आप लोगों ने, हैंडलिंग एक्सेप्ट हैंडलिंग पढ़ा होगा सी प्लस प्लस में, जावा में कहीं पढ़ा होगा तो याद होगा फिर आप लोगों को ये टॉपिक, ट्राई कैच, तो मैं क्या कह रहा हूँ लाइन नंबर 8 पे आओ, मैंने क्या बोला अजय पढ़ लिया सब पढ़ लिया, 8 पे आओ लाइन नंबर 8 पे,
मैंने नंबर 8 पे लिखा ट्राई, ट्राई वो नीचे आ रहा है, नीचे ट्राई कैच आ रहा है, देखो नीचे ट्राई कैच पे क्लिक कर दो, बस ट्राई, और कैच में आओ, कैच में कंसोल लगाओ, लाइन नंबर 12 पे कंसोल लगा लो। अरे नहीं नहीं वो एरर, वो क्यों हटा दिया, एरर कैच के अंदर देखो कंसोल डॉट लॉग में एरर, फंक्शन का साइन एरर, एरर हाँ एरर लिखो बस, और लाइन नंबर 4, 5, 6, 7 को कॉपी करो और ट्राई के अंदर जाकर पेस्ट कर दो, कट कर दो, कट कर दो वहां से, कट करके ट्राई के अंदर, ट्राई के अंदर बोला मैंने, और ऊपर ऊपर से हटाओ सब कुछ, और कंसोल हटा दो, हटा दो उसकी जरूरत नहीं, हटाई दो उसको, कंसोल को भी ले लो, कंसोल को कट करो यहाँ से, कट कर दो और नीचे लेके आओ, ट्राई के नीचे, सबसे नीचे, सबसे नीचे आ जाओ, कैच के नीचे भी आ जाओ, कैच के नीचे आ जाओ, कैच के नीचे नहीं लगा दो, लाइन नंबर 13 के नीचे लगा दो, अरे 13 के नीचे लगा दो बस, अब सेम मत करना। अब देखो थोड़ा फॉर्मेट सी कर लो, राइट क्लिक करके फॉर्मेट से कर लो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो, अब एक चीज सब देखो यहां पे क्या हो रहा है, चलो यहां पे मैं ये कह रहा हूं ट्राई से, मैं कह रहा हूं ट्राई ट्राई ट्राई, एक काम करो यार ये कोड मेरा ट्राई कर दो, अगर चल जाएगा तो प्रिंट हो जाएगा, मान के जो ट्राई ने ट्राई किया और कोड में उसको एरर मिल गई, तो अब वो एरर कहाँ डाल देगा, कैच के पास भेज देगा एरर को, एरर कहाँ भेज देगा वो, कैच के पास उस एरर के अंदर, और एरर वो कंसोल में प्रिंट हो जाएगी। अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, तो लाइन नंबर 14 वाला कोड है हमारा, है ना, वो बंद नहीं होगा, देख लो चाहे सेव करो फाइल को, देखो सब लोग कहीं बंद हुआ, हेलो ऋतिक प्रिंट हो गया, देखा ट्राई ने क्या किया, पहले ये कोड ट्राई किया, इसमें कुछ एरर मिली तो एरर उसमें कैच में डाल दी, ट्राई कैच का काम यही होता है कि इस कोड को ट्राई करो, अगर उसमें कुछ एरर आती है तो उसको आप कैच में डाल दो, है ना। अब कैच में डालने से क्या हुआ कि देखो लाइन नंबर 14 वाला कोड भी बंद हुआ और हमें कैच में एरर भी दिख रही है और नीचे वाला कोड भी चल रहा है ना। अब लाइन नंबर 7 में ई लगा देना उसको, फाइल का ई लगा दो, और अगर सही होगा तो नॉर्मल चलेगा, सेव करो फाइल को, जब आउटपुट आ रहा है दिख रहा है, मतलब कुछ भी गलती होगी ना तो एरर कैच में चली जाएगी, उससे क्या होगा हमारे नीचे वाला कोड बंद नहीं होगा, इसलिए हम लोग आगे चल किसका यूज करेंगे, ट्राई कैच का। आया समझे भाई, इस कोड को आप ट्राई कर लो, कुछ एरर दिख रही तो उसको कैच में डाल दो, और मेरे नीचे वाला कोड में बंद मत करना, तो इसलिए इसको अपन ट्राई कैच के अंदर लगा के चलते हैं बस। और कंसोल बंद करो, लाइन नंबर 2 वाला उसको हटा दो, उसकी जो थोड़ा लाइन नंबर 2 हटा दो, हटाई दो उसकी जो थोड़ा बस, अब सही है, ट्राई कैच समझ आता, ट्राई कैच कैसे काम कर रहा है समझ आ गया, ट्राई कैच।